बुधवार को दोपहर पापा संस्था द्वारा शासन के आदेश को जनहित में जारी करने के लिए संस्था के सभी सदस्य संजय प्रेस स्थित स्पीड क्रॉस लैब के सामने एकत्रित होकर स्कूल संचालक द्वारा फीस वसूलने को लेकर अभिभावकों को जागरूक किया। वहीं पूरा देश प्रभावित इस लॉकडाउन से, जहां बिजनेसमैन से लेकर सभी ठेल वाले तक भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में ताजनगरी के अंदर स्कूल संचालक पेरेंट्स की फीस वसूली अभियान चला रहे हैं। कोरोना काल के 3 माह की फीस माफ कराने के लिए पेरेंट्स शहर में अनोखा आंदोलन कर रहे हैं। विद्यालय के अभिभावक हैं, जिस तरह से पिछले कई महीनों से शहर का पूरा वर्ग पीड़ित चला आ रहा है, हम भी उन्हीं पीड़ितों में से हैं। हमारी मांग है कि लॉकडाउन के समय की हमारी फीस माफ की जाए, जिसके लिए शासन से एक आदेश आया है कि जो असमर्थ पेरेंट्स हैं वो अपनी अक्षमता की एप्लीकेशन विद्यालय में दें। विद्यालय उन एप्लीकेशन को स्वीकार करेगा और बच्चों के नाम नहीं काटे जाएंगे। लेकिन आज भी ऑनलाइन क्लास से स्कूलों के नाम काटे जा रहे हैं और पेरेंट्स को इंडिविजुअली बुला करके 50-50, 100-100 पेरेंट्स को एक साथ बुला करके उनसे फीस के लिए दबाव डाला जा रहा है। बहुत से लोग दबाव में अपनी व्यवस्थाएं करके कहीं से कर्जा लेकर के फीस भी जमा कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे का नाम ना कटे। एक तरफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि स्कूल वाले इन परिस्थितियों में भी आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं और हम लोगों को प्रेशराइज करके जबरदस्ती हम लोगों से फीस ली जा रही है, शासन के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, बेसिक मांग हमारी यही है कि जो शासन के आदेश हैं, कम से कम हमारे क्षेत्रीय प्रशासन उनका तो पालन करवाए। डीआईएस महोदय इसमें कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल नकारा साबित होते दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कई बार हमें आश्वासन दिया है कि स्कूल वाले आपकी असमर्थता की एप्लीकेशन लेंगे और बच्चों के नाम नहीं काटे जाएंगे। लेकिन फिर भी बच्चों के नाम ऑनलाइन क्लास से काटे जा रहे हैं, उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं दिए जा रहे हैं। क्या नाम है? दीपक सरीन। दीपक जी, आज किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, आज हम लोगों ने जो शासन का आदेश आया है कि फीस में राहत मिलनी चाहिए, जो पेरेंट्स अक्षम हैं उनका प्रार्थना पत्र स्कूल स्वीकार करे, लेकिन स्कूल वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। डीआईओ साहब के माध्यम से हम लोगों ने एक पत्र भी जारी करवाया सभी स्कूलों को, लेकिन जब पेरेंट्स स्कूल जाता है तब स्कूल प्रबंधन कहता है कि हमारे पास कोई पत्र डीआईओ के पास से नहीं आया है, तब बेचारा पेरेंट परेशान हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने शासन का आदेश जो है उसकी कॉपी आप मेरे पास देख सकते हैं, ये शासन के आदेश की कॉपी है। ऊपर वाली कॉपी अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की और नीचे डीआईओ साहब आगरा की। हम ये आदेश की कॉपी पेरेंट्स को बांट रहे हैं ताकि पेरेंट्स इन पर्चियों को लेकर जा सके और कहे कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है और शासन का आदेश है, मुझे फीस में राहत दीजिए। आप अगर फीस माफ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप इन बच्चों को कम से कम राहत तो दे सकते हैं। बोर्ड की फीस के नाम पर आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं कि 2 क्वार्टर की फीस चाहिए, 1 क्वार्टर की फीस चाहिए, ये बहुत निंदनीय काम है। और अभी अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, ये स्कूल वाले इस निष्ठा पे उतर आए हैं कि मेरी बेटी की तस्वीर यहाँ पर एक व्यक्ति के माध्यम से बटवाई जा रही है और उसमें लिखा हुआ है कि मेरी बेटी स्कूल के सभी कार्यक्रम में भाग ले रही है। हमने पापा संस्था ने किसी भी स्कूल के बच्चे को किसी भी स्कूल के कार्यक्रम में लेने से मना नहीं किया है। हमारी लड़ाई ना ऑनलाइन पढ़ाई को रोकने की है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आधी ट्यूशन फीस ले लीजिए, जिससे आपके टीचर की सैलरी निकल जाए। हम लोगों ने एक भी बच्चों से ये नहीं कहा कि स्कूल मत जाइए, स्कूल का होमवर्क मत करिए। मेरी खुद बेटी एमपीएस में पढ़ती है, उसका होमवर्क मैं खुद स्कूल में जमा करा के आया हूँ और हमारे ग्रुप में लोग पूछते हैं कि होमवर्क पर क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि आप जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप उसका होमवर्क जमा करा के आइए स्कूल में, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन स्कूल वाले निश्चिता पर उतर आएंगे, इसमें मुझे बेहद अफसोस है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।